वहीं धौलीदार ब्राह्मणों को जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। प्रदेश के जिले के लोगों ने सीएम और सांसद कार्तिकेय शर्मा का धन्यवाद भी किया है। मैं विनय बख्शी बलदेव नगर से अंबाला सिटी से कार्तिकेय शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनकी वजह से हमारे ये ब्राह्मणों को जो पिछले साल महाकुंभ हुआ था, जिसमें कार्तिकेय शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी कि ब्राह्मणों को उनका मालिकाना हक मिले, और उनकी ये जो उनसी मेहनत है आज वो सफल हुई है। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि धौलीधर ब्राह्मणों को आज जमीन का मालिकाना हक मिला है, और इस मालिकाना हक के लिए पिछले साल भगवान परशुराम महाकुंभ में सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने मुख्यमंत्री के सामने पुरजोर मांग उठाई थी कि ये मालिकाना हक इन ब्राह्मणों को मिले। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये मालिकाना हक सभी ब्राह्मणों को प्रदेश के, चाहे वो पुजारी है, चाहे किसी के पास छोटी जमीन है, वो उस जमीन को अब खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मैं आज जो धौलीधर के जो ब्राह्मण हैं उनको जो मालिकाना हक जो मिला है उसके विषय में मैं पंडित विनोद शर्मा जी का और कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा के जो वो मेंबर हैं उनका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जब अपना करनाल के अंदर एक महाकुंभ का आयोजन किया था, उस महाकुंभ के आयोजन में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मांग की थी कि उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए, और मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस मांग पर विशेष तौर पर ध्यान देकर उन्होंने इस मांग को आज चंडीगढ़ में पूरा कर दिया गया है। लंबित ब्राह्मण समाज की ये जो मांग थी धौली की जमीन, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रिय सांसद भाई कार्तिकेय जी का इस प्रयास के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, सराहना करते हैं। सदियों से ब्राह्मण समाज जो दान दी गई भूमि थी धौली, उसके ऊपर कास्त करके अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते आ रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों को इस धौली की जमीन का मालिकाना हक नहीं था। ना वो बैंकों से लोन ले सकते थे, ना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते थे। अब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने परशुराम जयंती के ऊपर जो ब्राह्मण महाकुंभ कराया था उसके ऊपर प्रमुख मांग के रूप में इस मुद्दे को उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग को पूरा करते हुए ब्राह्मणों को धौली की जमीन का मालिकाना हक दिया है। इस मुद्दे को लेकर के चरखी दादरी जिले के तमाम ब्राह्मण संगठनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का आभार। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जो धौली की जमीन थी जिसके लिए सदियों से प्रयास चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रिय सांसद राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय जी के अथक प्रयासों से जो समाज को धौली की जो जमीन मिली है, जो उनको मालिकाना हक मिला है, उसके लिए पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर है। उसके लिए हम सारा समाज उनका धन्यवाद करते हैं। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो घोषणा की गई थी ब्राह्मण सम्मेलन में करनाल में, कि धौली की जमीन का जो ब्राह्मणों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला था, हम खाली उसमें काश्तकार थे, आज उसका हमें मालिकाना हक मिला है। हम आज विशेषकर भाई कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय सांसद है राज्यसभा के, जो सम्मेलन के संयोजक थे, उनका धन्यवाद करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से, सर्व ब्राह्मण पानीपत की तरफ से और एडवोकेट बिरादरी ब्राह्मण समाज की तरफ से हम सरकार का, मनोहर लाल खट्टर जी का, और जो अथक प्रयासों से भाई MP कार्तिकेय शर्मा, जो कि लगातार पिछले जब से राज्यसभा सांसद बने हैं ब्राह्मणों के मान सम्मान की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी के सहयोग से जो ब्राह्मणों की लंबित मांग, पुरानी 60 साल पुरानी मांग थी, इसको आज पूरा किया है। हम तो शुक्रगुजार हैं सरकार के, अब भाई चलो ब्राह्मणों को मान सम्मान देने का एक काम किया है। कार्तिकेय शर्मा जी का और मनोहर लाल जी का सभी काम धन्यवाद करेंगे। भूमिका रखने वाले माननीय विनोद शर्मा जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज को ये धौलीधार जमीन का जो मालिकाना हक है उसको दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था कांग्रेस सरकार में भी, और आज
कार्तिकेय शर्मा हमारे राज्यसभा सांसद भाई ने भी अपने प्रयासों से ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ब्राह्मण समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और भाई कार्तिकेय शर्मा जी के अथक प्रयासों द्वारा ये नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें कि हमारे वर्ग को दोहलीदार जो जमीन थी उसका मालिकाना हक मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भाई कार्तिकेय शर्मा जी का अथक और दिल से अभिनंदन।